साल नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सुपरवाइजर मोहित भाटी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज दादरी पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी पुनीत भाटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया है, मोहित की हत्या चुनावी रंजिश और मुकदमे की पैरवी के कारण हुई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल कार और अवैध पिस्टल भी बरामद किया है। 2018 में एक हत्या हुई थी थाना दादरी क्षेत्र में, जिसमें कि एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या की गई थी। उसका मुख्य जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। जो इसमें इंटेंशन निकल के आई हत्या की, वो ये निकल के आई कि इन लोगों की 2016 से दोनों परिवारों की चुनाव को लेके रंजिश थी, प्रधानी के चुनाव को लेके, और उसमें इनकी 2016 के बाद कुछ कहासुनी हुई थी। 2017 में एक दूसरे पक्ष के ऊपर मुकदमे लिखाए गए थे, और दूसरा इसमें कारण था कि जो अभियुक्त है उसके ऊपर कुछ मुकदमे पंजीकृत हैं। तो अभियुक्त को ऐसा लगता था कि जैसे जो इसका पीड़ित पक्ष है जिसकी हत्या हुई है, उसके परिवार वाले उसके खिलाफ मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं। तो इन दो चीज़ों को लेके इंटेंशन रहा हत्या करने का। मुख्य आरोपी हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। कार जो यूज़ हुई वो भी बरामद कर ली गई है। जो पिस्टल थी जिससे घटना की गई वो भी बरामद कर ली गई है। एक अभियुक्त इसमें बचा है जो कि शीघ्र गिरफ्तार हो जाएगा। आपराधिक रिकॉर्ड क्या था इसका? इसके ऊपर करीब 8 मुकदमे हैं, और लूट के भी मुकदमे हैं और मारपिटाई के मुकदमे हैं। तो 8 करीब मुकदमे किसी गैंग से ताल्लुक रखा जा रहा है, बताएं। नहीं, ऐसा तो अभी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है किसी गैंग से ताल्लुक की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। किसी विधायक का रिश्तेदार बताया जा रहा है, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं।